ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार के बीच केरल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मंच से अपने चुनावी संकल्प पत्र को दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में एक बार फिर दोहराया अपना चुनावी मंत्र, कहा आज केरल भी कह रहा है अब की बात 400 पर। पीएम मोदी ने साउथ से बुलेट ट्रेन का वादा किया, कहा इसके लिए बहुत जल्द शुरू होगा सर्वे का काम, बुलेट ट्रेनों से पैदा होंगे रोजगार के नए अवसर। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से गिनाई अपनी उपलब्धियां, कहा हमारी सरकार ने गरीबों के लिए घर बनवाए। पीएम मोदी ने लोगों के हेल्थ से जुड़ी योजनाओं का भी जिक्र किया, कहा जन औषधि केंद्र पर मिलती रहेंगी सस्ती दवाएं। आज सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की दायर की गई याचिका पे होगी सुनवाई, हाई कोर्ट के गिरफ्तारी को सही ठहराने के आदेश को केजरीवाल ने किया था चैलेंज। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के सीएम से मुलाकात करने पहुंचे पंजाब सीएम मान, कड़ी सुरक्षा के बीच दोनों नेताओं की होगी मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात जंगला में होगी भेंट, जंगला में दोनों के बीच होगी दीवार। वीआरएस नेता के कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा। सुप्रीम कोर्ट के 4 पूर्व जजों सहित 21 पूर्व न्यायाधीशों ने चीफ जस्टिस को लिखी चिट्ठी, न्यायपालिका पे बढ़ते दबाव और इसकी गरिमा पे हमलों का जिक्र, एहतियात बरतने की अपील। झज्जर में राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी पर किसी को नहीं है विश्वास। कन्हैया कुमार को दिल्ली से लोकसभा टिकट दिए जाने पर बोले आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी, कहा किसे कहां से उम्मीदवार बना ये पार्टी का अंदरूनी मामला। से दल का कौन उम्मीदवार कहां से चुनाव लड़ेगा ये उस दल का मामला है, बीजेपी जेडीयू को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। आरजेडी ने लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, कहा इस बार मोदी सरकार का सफाया तय। दिल्ली से कन्हैया कुमार को टिकट देने को लेकर गिरिराज सिंह ने साधा निशाना, कहा कांग्रेस रिजेक्टेड लोगों को लेकर बजा रही है झुंझुना। महादेव के भक्तों के लिए चारधाम यात्रा से जुड़ी शानदार खबर, अमरनाथ यात्रा के लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू। अमरनाथ यात्रा इस साल 2 महीने की बजाय केवल 45 दिन तक चलेगी, 19 अगस्त को होगा समापन। लोकसभा चुनाव के चलते घटाई गई अमरनाथ यात्रा की समय अवधि, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के इंतजाम में जुटा प्रशासन। पहलगाम और सोनमर्ग बालटाल के रास्तों को किया जा रहा है दुरुस्त, बाबा अमरनाथ धाम के लिए इन दोनों रास्तों का होता है इस्तेमाल। जम्मू कश्मीर के सांबा में अमरनाथ यात्रा को लेकर पुलिस के साथ आईटीबीपी के जवानों ने प्रशिक्षण लिया, आपदा से निपटने का अभ्यास किया। बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर निकली एक्ट्रेस रवीना टंडन, बेटी राह के साथ प्रवचन सुनते सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। आलिया भट्ट ने अपने पति रणबीर कपूर के साथ दूसरी सालगिरह की एक प्यारी तस्वीर शेयर की, नई अनदेखी तस्वीर में रणबीर और आलिया रोमांटिक पोज देते हुए नजर आए। साउथ सुपरस्टार रामचरण को चेन्नई की वेल्स यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया, सोशल मीडिया पर रामचरण ने जानकारी दी। एक्टर विकी कौशल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पानीपुरी खाते हुए वो इमोशनल हुए, लिखा महीनों बाद चीट मील, दरअसल कुछ महीनों की स्ट्रिक्ट डाइट पर थे विकी कौशल। फिल्म मैदान ने की जबरदस्त कमाई, वर्ल्ड वाइड फिल्म ने 3 दिनों में कमाए 23.10 करोड़ रुपए।